में हम पैंटोग्राफ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इस मैकेनिज्म का यूज़ हमारी इंडस्ट्री और मशीन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा है। बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं स्केलिंग के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए। इसका यूज़ मैप फॉर्मेशन में भी होता है, अर्थात मानचित्र बनाने में भी होता है। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम पैंटोग्राफ की डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिप्रोड्यूस द ड्राइंग ऑफ डिफरेंट स्केल। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिप्रोड्यूस करती है ड्राइंग डिफरेंट स्केल की, आइदर इनलार्ज्ड और रिड्यूस, या तो बड़ा करने के लिए या तो छोटा करने के लिए, बट ऑफ सिमिलर फैशन एज द ट्रेस्ड पाथ। और ये सिर्फ पाथ को ट्रेस्ड करके ही ड्राइंग बनाती है। ओके फ्रेंड, देखते हैं कैसे वर्क करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये हमारा पैंटोग्राफ का एक डायग्राम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दो पेंसिल, ठीक है, अगर हम यहाँ पे दो पेंसिल फिक्स कर दें और हम इसको रोटेट करना शुरू करें, तो क्या होगा कि जो डायग्राम, जो स्केच ये बनाएगा, उससे लार्ज स्केल पे सेम स्केच ये बनाएगा। कैसे बनाएगा और क्यों बनाएगा, वो हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा देखते हैं। हमने सबसे पहले ओ बी सी और ओ ए आर दो ट्रायंगल ले लिया, ओ बी सी एंड ओ ए आर। हमें पता है ये एंगल ओ ओ बी सी में भी आ रहा है एंड ओ ए आर में भी आ रहा है, मतलब एंगल ओ जो है वो कॉमन है दोनों में। उसके बाद एंगल ओ बी सी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ओ ए आर इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से ये ट्रायंगल पूरे इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया बाय एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ओके, तो हमें पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका रेशियो इक्वल होता है। तो हमने ओ बी अपॉन में ओ ए इज इक्वल टू में बी सी अपॉन में ए आर लिख सकते हैं। तो ये क्या शो करता है हमारा कि थर्स फॉर ऑल रिलेटिव पोजिशन ऑफ द बार द ट्राइंगल ओ बी सी एंड ओ ए आर सिमिलर, मीन्स कोई भी पोजिशन हो ओ बी सी एंड ओ ए आर सिमिलर होगा, एंड द पॉइंट ओ बी ए एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके, इट मे बी प्रूव डेट द पॉइंट ए, ये और प्रूव करता है कि पॉइंट जो ए है वो ट्रेस करेगा सेम पैथ डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट डी, मतलब ए वही पॉइंट ट्रेस करेगा जो कि डी या बी ट्रेस कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो यहां तक इस रिलेशन से हमें पता लग जाता है। अब फ्रेंड हम क्या करते हैं, ओ पॉइंट को फिक्स रखते हुए इस फिगर को नीचे की तरफ ट्रेस आउट करते हैं। लेट पॉइंट ओ बी फिक्स्ड एंड पॉइंट ए एंड बी मूव टू द सेम न्यू पॉइंट ए डैश बी डैश, हमने इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया ए डैश बी डैश की तरफ। ओके फ्रेंड, तो अब क्या होगा, ये हमारे को एक फिगर मिल जाएगी जो कि हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, हमने इसको नीचे की तरफ ट्रेस कर दिया है। तो इसमें भी अगर हम सिमिलरिटी रूल लगाएं तो ओ बी अपॉन में ओ ए, ओ बी अपॉन में ओ ए इज इक्वल टू में ओ बी डैश अपॉन में ओ ए डैश मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये हमें कब मिला, जब हमने एक लिटिल कंसिडरेशन की कि बी बी डैश पैरेलल होगा ए ए डैश के। ओके फ्रेंड, तो यहां से हमारी ये कंसिडरेशन होती है कि बी बी डैश पैरेलल होगा ए ए डैश के अगर ओ फिक्स्ड है हमारा। ओके फ्रेंड, एंड हेंस इफ ओ फिक्स्ड टू द फ्रेम ऑफ मशीन बाय मींस ऑफ टर्निंग पेयर बी, मतलब अगर हम बी को टर्निंग पेयर माने तो उसको ए ट्रेस करेगा, और अगर हम ए को कॉन्स्टेंट मोशन दे, स्ट्रेट लाइन मोशन दे, तो उसको बी ट्रेस करेगा। मतलब अगर हम ए को मोशन देंगे तो दूसरा उसको ट्रेस्ड आउट करेगा, चाहे वो हम ए को मोशन दे या बी को दे। इससे हम स्केलिंग छोटी रिड्यूस्ड भी कर सकते हैं और एनलार्ज्ड भी कर सकते हैं। अगर हम बी को मोशन दे रहे हैं और ए उसको ट्रेस कर रहा है तो वो स्केलिंग एनलार्ज्ड कर देगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम ए को मोशन दे रहे हैं और बी उसे ट्रेस्ड कर रहा है तो स्केलिंग को वो क्या कर देगा, रिड्यूस्ड कर देगा। तो यहाँ पे दोनों चीज क्लियर हो जा रही है, लिख भी रखा है ए विल ऑल्सो ट्रेस आउट द स्ट्रेट लाइन पाथ, सिमिलरली ए इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, देन बी विल ट्रेस आउट द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द फॉर्मर। ओके फ्रेंड, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा अगर आप इसको नोट डाउन कर ले तो। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, तो अब इसके जो एप्लीकेशन है कुछ पेंटोग्राफ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
or as a mechanical engineer, you should be know or aware about this. Okay, friend. So first, जो उसका application है वो है reproduction of plane areas and figures such as maps, planes, etc. कि reproduce करने में plane area, figure जैसे map और planes. हमको पता है कि map में बहुत बड़े area को बहुत छोटे से map में दिखा दिया जाता है, तो वो इस पेंटोग्राफ के द्वारा ही किया जाता है. दूसरा है ऑन एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ स्केल. ठीक है, किसी भी चीज को बड़ा करना या छोटे करने में इसका यूज किया जाता है. इट इज यूज टू गाइड कटिंग टूल्स. ठीक है, ये कटिंग टूल को भी क्या करता है, गाइड करता है. अगर देख लीजिए फ्रेंड, इसका एक और यूज मुझे याद आ रहा है कि अगर हम इसको किसी भी सिलेंडर पे लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एक मोशन मिल जाता है. अगर जैसे हमने इस बी पॉइंट को एक किसी आईसी इंजन के इंटरनल कम्बशन इंजन के हेड पे जोड़ दिया, ठीक है, पिस्टन हेड पे जोड़ दिया, तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा इसको, और वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन इस वाले पिस्टन पे हम किसी और को भी दे सकते हैं. तो यहाँ से क्या हो सकता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. ऐसी सेम गाइड टूल को भी हम इससे क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट है हमारा मॉडिफाइड. लास्ट है फ्रेंड हमारा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेंटोग्राफ इज यूज टू कलेक्ट पावर एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव. ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. आप सभी ने मेट्रोज देखी होंगी. ठीक है, अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में हैं तो आपने मेट्रो या लोकल ट्रेन देखी होगी. आजकल वो भी इलेक्ट्रिकल हो गई हैं. ठीक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स होती हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा एक शेप होता है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ये जो शेप होता है फ्रेंड, इसमें जो ये लगा होता है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ बोलते हैं. आजकल इसमें भी पेंटोग्राफ का यूज होता है किस चीज के लिए, पावर को कलेक्ट करने के लिए. ओके फ्रेंड, तो बेसिकली जो पेंटोग्राफ है वो लोअर पेयर है. क्यों ये लोअर पेयर क्यों है, ये क्या है, लोअर पेयर है. क्यों, क्योंकि इसमें सरफेस कॉन्टैक्ट होता है. ये क्या है, लोअर पेयर है क्योंकि इसमें सरफेस कॉन्टैक्ट होता है. ओके फ्रेंड, तो ये हमारा था पेंटोग्राफ का पूरा डिस्क्रिप्शन. ओके, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.